भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाराष्ट्र के भाजपा चुनाव प्रभारी, राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा बुधवार को भंडारा जिले के दौरे पर आए थे। उन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गई है कि अब उसे उद्धव ठाकरे की बची कुची सेना की मनमानी भी सहन करनी पड़ रही है। MVA में सीट बंटवारे को लेकर मची धमासान थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की सीटों पर उनके सहयोगी ही प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस को ही निपटाने में लग गए है। ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से तो कांग्रेस का इस चुनाव में कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। विपक्षी सुरमा चुनाव आरंभ होने के पहले ही हाफने लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा व सहयोगियों का विजय रथ बिना किसी बाधा के 400 के लक्ष्य को पार कर जाएगा। हाल यह है कि विपक्ष को तो चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। अरुणाचल इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर भाजपा के 10 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। विदर्भ सहित पूरे महाराष्ट्र में इस बार भाजपा और सहयोगियों का परचम लहराएगा और विपक्ष एक भी सीट पर जीत के लिए तरस जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए चुनाव केवल सत्ता प्राप्त कर निजी हित साधने का माध्यम है, उन्हें जनहित व देश हित से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 10 साल में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, जिसका परिणाम है कि दुनिया के पटल पर भारत एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। और इसका कारण ये है कि विपक्ष का जनहित और देश हित से कोई सरोकार नहीं है। पिछले 10 साल में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा एक तरीके से योगदान रहा है। उन्होंने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कर्म क्षेत्र, जन्म क्षेत्र और जितने भी उनके अध्ययन के क्षेत्र थे, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली थी, हर स्थानों का एक तरीके से पंच तीर्थ के रूप में उसको प्रतिस्थापित करके, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो एक प्रकार की श्रद्धा है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है, वही उद्धव जी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी है जो शुरू से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विरोधी रही है। उसने बाबा साहब को पहले लोकसभा के चुनाव में हराया, बाद में जब दोबारा वो उपचुनाव में खड़े हुए तो उन्हें फिर से कांग्रेस से हराने का काम किया। आज उनके पोते प्रकाश अम्बेडकर जी ने भी उनका साथ छोड़ा है। मुझको लगता है कि बाबा साहब की जो आत्मा है उनको आशीर्वाद दे रही होगी कि जिस कांग्रेस ने उनका अपमान किया उसका साथ उन्होंने बड़ी देर से छोड़ा, लेकिन अच्छा छोड़ा। और बाबा साहब निश्चित रूप में अपने अनुयायियों को संदेश दे रहे होंगे कि जो पंचतीर्थ का और जो बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाला दल है बीजेपी और मोदी जी, उनको निश्चित रूप में उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिल रहा है। 400 पार का जो लक्ष्य है उसमें 48 सीटों वाली महाराष्ट्र का बड़ा भारी योगदान रहने वाला है और पिछले सारे रिकॉर्ड महाराष्ट्र के इस बार ध्वस्त होने वाले हैं। अपनी निश्चित हार को देखते हुए ये दुष्प्रचार पर जो बची हुई कांग्रेस है, बची कुची समाप्त प्राय शिवसेना उदोगुट है, ये शरद पवार जी का जो बचा हुआ
थोड़ा बहुत जो एक दल का छोटा सा कुनबा बचा है ये दुष्प्रचार में लगे हुए हैं और झूठा प्रचार करते हैं कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। मोदी जी के रहते रहते और बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता के जीवित रहते हुए कभी किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो भारत के संविधान के प्रति वो आंख उठाकर देख सके। संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च निछावर करने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ मोदी जी ने इस बात को कहा है कि संविधान हमारी आत्मा है और आत्मा का परिवर्तन नहीं हुआ करता, वो मां से भी बढ़कर है। इसलिए ऐसे झूठ बोलने वालों को मैं कहूंगा कि अपना गिरेबान झांक कर देखें जिन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, जिन्होंने रामलला का मंदिर बन रहा हो उत्सव ना मना सके उसके भक्त लोग, वो उद्धव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर उन लोगों को जो राम जन्मभूमि के निर्माण के शिलान्यास के समय उत्सव मना रहे थे उनको जेल भेजा गया है। इनको शर्म आनी चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, यहां तक एक सांसद और उनके विधायक पति को भी गिरफ्तार कर दिया गया। हनुमान चालीसा अपने देश में नहीं पड़ेगा, बहुसंख्यक समाज को कहां पड़ेगा? ईश्वर का स्मरण ये संविधान का अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, और उस संविधान के अधिकार को भी अतिक्रमण करके उद्धव जी सरकार ने उस समय जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने लोगों को जो हिंदुत्व का नकली चेहरा पहने हुए थे, कांग्रेस से दोस्ती करते हुए जो उनका नकली चोला था हिंदुत्व का वो उतर गया और उतरने के बाद उन्होंने दुष्प्रचार शुरू कर दिया। यहां तक महिलाओं का अपमान करने के लिए किसी ने भी आवाज उठाई तो पता चला कि कंगना रावत जी का मकान गिरा दिया गया। पालघर में वहां पर साधुओं को खुलेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तमाम प्रकार की प्रताड़ना के सोशल मीडिया में अगर किसी ने शिवसेना उद्धव जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ लिखा तो उसको कासकर ऐसे तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पापों का घड़ा जो उन्होंने शिवसेना उद्धव जी और शरद पवार जी की एनसीपी के साथ में भरा था, पापों का घड़ा भर चुका है और जनता निश्चित रूप में जो अपमान उन्होंने भारत के संविधान का किया है, भारत के लोगों के अधिकार का जो हनन कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव जी ने किया है उसका बदला वो निश्चित रूप में मतदान के रूप में करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी रामटेक में आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि रामटेक में एक ऐतिहासिक समागम होगा है। प्रधानमंत्री जी का वहां पर उद्बोधन होगा जहां रामलला ने जहां पर विश्राम किया था। रामटेक में राम मंदिर भी बना हुआ है, आदिवासियों के राजा भी वहां पर रहे हैं, माता का मंदिर भी वहां पर है और माननीय मोदी जी अपने विदर्भ क्षेत्र के लोगों को वहां पर संबोधित करेंगे, माननीय अमित शाह जी भी यहां पर 6 तारीख को उनके पास के जिले में गोंदिया में उनकी सभा है और आप जानते हैं कि अमित शाह जी ऐसा नेतृत्व बीजेपी को मिला है जिन्होंने 70 साल की समस्या को कश्मीर की 70 मिनट में 1-2-3 और जम्मू कश्मीर से 370 धारा फ्री जो संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया। ये चुनाव राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में भाजपा का जो परिवारवादी अवसरवादी शक्तियां हैं ये शिवसेना उद्धव एनसीपी पवार और बची कुची कांग्रेस जो सोनिया जी और राजीव जी इंदिरा जी नेहरू जी से बढ़ते बढ़ते वो प्रियंका जी और राहुल जी तक आ गई
कि परिवारवादी पार्टियों का जो मिलन है वो निश्चित रूप से मोदी के जो विराट परिवार है कार्यकर्ताओं का और जनता का, उसके आगे इस लोकसभा चुनाव में पराजित होगी। और आज मैं आपके इस भंडारा जनपद महाराष्ट्र में ये कहकर जा रहा हूं कि 111वीं अपनी मन की बात जून में हम लोग माननीय मोदी जी के साथ तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में जब वो शपथ ग्रहण करके आएंगे तो सुनेंगे। 4 जून को इन परिवारवादी अवसरवादी अवसादग्रस्त कांग्रेस शिवसेना उदो पक्ष और एनसीपी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे और भाजपा 400 पार करके एक ऐसी सरकार बनाएगी जिसके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आवश्यक संख्या प्राप्त न कर पाने के कारण खाली दिखाई पड़ेगी। अब की लोकसभा में इन शब्दों के साथ मैं आपकी इस पृष्ठ वार्ता को विराम देता हूं। जल शुद्धिकरण केंद्र में प्रयोग में लाने जाने वाले क्लोरीन सिलेंडर से 2 अप्रैल की रात 9 बजे गैस लीकेज होने से नागरिकों में दहशत छा गई, किंतु नगर परिषद प्रशासन की समय सूचकता के कारण बड़ी अनहोनी टली। कड़ी मशक्कत के बाद 2:30 बजे रात तक स्थिति काबू में पाया गया। इस घटना में नगर परिषद के 4 कर्मचारी एवं 9 नागरिकों को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण ग्रामीण अस्पताल भेजा गया। साथ ही देर रात तक पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए नागपुर मनपा की विशेष टीम को भी बुलाया गया। जल शुद्धिकरण केंद्र में प्रयोग में लाने जाने वाले क्लोरीन के अतिरिक्त सिलेंडर से गैस लीकेज के बाद ध्यान में आते ही जलापूर्ति विभाग के अभियंता सूरज पिंपलकर एवं अन्य कर्मचारियों ने जान हथेली पर लेकर लीकेज सिलेंडर जल शुद्धिकरण केंद्र के बाहर निकाला। सिलेंडर से रिसने वाली गैस हवा में ना फैले इसलिए पानी के गड्ढे में सिलेंडर डाला गया। यह सब करने के पश्चात कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण स्थानीय ग्रामीण अस्पताल में लाया गया। गैस लीकेज की तीव्रता के कारण आसपास के 500 मीटर परिसर के नागरिकों को घर से बाहर जाने के लिए ढोल पीटकर जानकारी दी गई। सांस लेने के मामूली तक के अलावा अन्य कोई त्रासदी ना हो इसलिए नगर परिषद कर्मचारियों ने प्रयास किए, किंतु फिर भी पौनी भंडारा मार्ग पर स्थित मामा का ढाबा परिसर के कुछ मजदूरों को गैस लीकेज के कारण तकलीफ हो रही थी। उन्हें इलाज के लिए भंडारा जिला अस्पताल में भेजा गया। इस पूरी घटना में सूरज पिंपलकर उम्र 24 वर्ष, प्रशांत निखारे उम्र 44 वर्ष, अनिकेत बिस्ने उम्र 30 वर्ष, मंगेश ढिकोरे उम्र 26 वर्ष, इन कर्मचारियों को गैस लीकेज से तकलीफ हुई। साथ ही नागरिकों में सूर्यभान लोखंडे उम्र 31 वर्ष, लीलाबाई चिंचोलीकर उम्र 65 वर्ष, सूर्यभान मेशराम उम्र 65 वर्ष, अंशुला चापेगढ़ीकर उम्र 15 वर्ष, अशोक चापेगढ़ीकर उम्र 45 वर्ष, अतुल इखार उम्र 31 वर्ष, कृष्णा चापेगढ़ीकर उम्र 80 वर्ष, कल्पना चापेगढ़ीकर उम्र 38 वर्ष, श्यामली चापेगढ़ीकर उम्र 38 वर्ष, इस स्थानीय नागरिकों को भी ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जिसमें सूर्यभान लोखंडे उम्र 31 वर्ष, लीलाबाई चिंचोलीकर उम्र 65 वर्ष की तबीयत बिगड़ने से दोनों को जिला अस्पताल में रेफर किया। घटनास्थल पर मुख्याधिकारी विवेक मेश्राम, डॉक्टर विवेक मेश्राम समेत जिला प्रबंधक टीम पौनी के तहसीलदार उपस्थित थे। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी होने से पहले बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे देश में 8 करोड़ परिवारों की पार्टी की 5 न्याय के तहत 25 गारंटी पर आधारित ये गारंटी कार्ड वितरित करेंगे। ये गारंटी कार्ड 14 अलग अलग भाषाओं में छपे हैं। कांग्रेस के इन गारंटी कार्ड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा घोषित पार्टी के चुनावी वादों को शामिल किया गया है। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता आम मतदाताओं को पार्टी के चुनावी वादे की जानकारी देते हुए लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और तमाम नेता उपस्थित रहे। खड़गे ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार राजनीतिक दलों को डरा रही है। कांग्रेस के बैंक खाते से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र में इस तरह से चुनाव होता है, क्या सभी दलों को समान स्तर पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। खड़गे ने कहा कि यह सरकार तानाशाही की तरह काम कर रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ एक घंटे का रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट से राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही है। एनी राजा ने भी बुधवार को रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट से भाजपा ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। भले ही पटोले एवं मेंढे का चुनाव हो, लेकिन यह प्रफुल्ल पटेल एवं नाना पटोले की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीते 3 से 4 दिनों से सभी राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। भले ही यहां कांग्रेस एवं भाजपा प्रत्याशी के बीच मुकाबला हो रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्व जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में आमने सामने थे एवं जिस पार्टी के प्रत्याशी द्वारा उन्हें पराजित किया गया था, वर्तमान में उसी पार्टी के पदाधिकारी मतदान मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के अस्तित्व की लड़ाई होने, वर्षों के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी होने एवं भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख सभी कांग्रेस पदाधिकारी एकजुटता से चुनावी कार्य में भिड़े हुए हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल द्वारा अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को चुनावी कार्य में लगा चुके हैं। अब की बार किस राजनीतिक दल को कितना लाभ मिलता है या परिणाम के बाद ही पता चलेगा। अस्तित्व नशा मुक्ति केंद्र में मरीज के साथ मारपीट। पैर बांध कर बेरहमी से की गई मारपीट। भंडारा पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। शराब की लत छुड़ाने के लिए भंडारा के अस्तित्व नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराए गए युवक से सहायकों के साथ कुछ आरोपियों द्वारा साजिश रचकर मारपीट करने की घटना सामने आई है। गढ़चिरौली निवासी इमरान खान यूनुस खान पठान उम्र 36 वर्ष यह शराब का आदी था, इसलिए उसे भंडारा के अस्तित्व नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। इस समय आरोपी पीयूष ठौरे उम्र 35 वर्ष और उसके 3 साथियों ने मिलकर इमरान के दोनों हाथ पैर बांध कर मारपीट की। इमरान की बहन रुखसाना ईशान खान की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 324-34 के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में जांच शुरू की गई। भंडारा गोंदिया जिल्ह्याची लोकसभा निवडणूक सध्या तापत आहे। दररोज वेगवेगळ्या पक्षांकडून नवनवीन दावे केले जात आहेत। माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी विकास फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपली चळवळ सुरू ठेवली आहे, मात्र या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला मदत करावी हा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा होता। त्यामुळे त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेत कोणत्या पक्षाला मदत करावी यासाठी कार्यकर्त्यांकडून मतदान करत त्यांचे मत जाणून घेतले। 10 एप्रिल रोजी मतगणना होणार असून कार्यकर्त्यांनी ज्या पक्षाला मतदान केले असेल अशा पक्षाला आपण निवडणुकीत सहकार्य करू असे त्यांनी सांगितले। आज आम्ही आमच्या विकास फाउंडेशनच्या सर्व सक्रिय कार्यकर्त्यांचा मेळावा या ठिकाणी आयोजित केलेला होता। जिल्ह्यातले अनेक कार्यकर्ते सक्रिय कार्यकर्ते स्वतःच्या साधनानं आमच्या या मेळाव्यामध्ये उपस्थित झाले। सगळ्यांचे गोपनीय मत गुप्त मतदानानं आम्ही जाणून घेतले आहेत। लगेच आम्ही त्यांचे मत काय आहेत हे आपल्यासमोर येऊन सांगणार आहोत आणि त्या दृष्टीनं म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आम्ही लोकसभेच्या निवडणुकीत कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यायचा हे ठरवणार आहोत। जुमदेवजी ठुबरीकर म्हणजेच महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांचा जन्म 3 एप्रिल 1921 रोजी नागपूर मधील एका नम्र आणि गरीब कुटुंबात झाला। त्यांचे वडील विठोबाजी ठुबरीकर विणकर होते आणि आई सरस्वताबाई एक गृहिणी होती। बाबा जुमदेवजींना बाळकृष्ण नारायणांनी जगोबा असे 3 मोठे आणि मारुती नावाचा एक धाकटा भाऊ होता। वडील विणकर असल्याने आणि त्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असल्यामुळे बाबा जुमदेवजी इयत्ता 4थीच्या पुढील शिक्षण
घेऊ शकले नाही. इसवी सन 1938 मध्ये वयाच्या 17व्या वर्षी बाबा जुमदेवजींचे लग्न वाराणसी बाईशी झालं. काही कारणांमुळे त्यांनी आपल्या वडिलोपार्जित विणकामाचा व्यवसाय सोडला आणि त्यांनी सेठ केसरीमल यांच्याकडे काही वर्ष सुवर्णकार म्हणून काम केले. कालांतराने त्यांनी नागपूर महापालिकेत कंत्राटदार म्हणून काम करण्यात सुरुवात केली. कालांतराने बाबा जुमदेवजींनी परमात्मा एक सेवक मानवधर्म मंडळाची स्थापना केली. त्यांनी व्यसनमुक्त सामाजिक ऐक्य तथा मानवी जीवनातील अंधश्रद्धा यावर मोठ्या प्रमाणावर कार्य केले. त्यांचे हे काम महाराष्ट्र बरोबर अनेक राज्यात पोहोचले. अशा या महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांची जयंती भंडारा जिल्ह्यातील शिवनेरी खातरोड येथे साजरी करण्यात आली व महाप्रसादाचे वितरण करण्यात आले. यावेळी अनेक सेवक उपस्थित होते. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे औकत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. मामूली बात पर व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल करने की घटना कोका में घटी. आरोपी का नाम कोका निवासी राजकुमार बालू गजबी उम्र 30 वर्ष है. कारधा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया. शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. कार्रवाई हुए चालकों के नाम चपराड़ निवासी वीरेंद्र भास्कर मेश्राम, महालगांव निवासी दिनेश नरबद नागपुरे, परस्टोला निवासी रोहित टीकाराम कापगते है. गोरेगांव थाना के तहत पिंडकेपार में शाम के दौरान अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें घर में रखा सभी सामान तथा विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गया. घटना की जानकारी गोरेगांव पुलिस को दी गई. स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने बाइक और एल्युमिनियम तार चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों का नाम धानला बोरगांव तहसील मौदा निवासी पवन रमेश ठाकरे उम्र 22 वर्ष और विधि संघर्ष लड़का है. स्थानीय अपराध शाखा ने सड़क अर्जुनी तहसील के डुग्गीपार में गंभीर चोट पहुंचाने और डकैती करने के बाद 20 वर्षों से फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को छत्रपति संभाजी नगर के मुकुंदवाड़ी से हिरासत में लिया गया. रावणवाड़ी थाने के तहत डांगोरली निवासी फुलवंत खांडेकर उम्र 82 वर्ष को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. फिरियादी की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया. शहर थाने के तहत मुर्री निवासी पांडुरंग बालाराम शरणागत उम्र 65 वर्ष ने अपने खेत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. इस घटना की शिकायत के आधार पर शहर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है. हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर.